धनतेरस बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। ये धन आगमन के लिए धन लक्ष्मी मानी जाती है। धन त्रयोदशी वाले दिन सबसे पहले झाड़ू खरीदना चाहिए, उसके उपरांत चांदी का कोई पात्र खरीदे, चांदी का बर्तन कोई भी खरीदे और झाड़ू खरीदे और धनवंतरी की पूजा करे। ये धन त्रयोदशी का महत्तम है। पंडित जी, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ना तो चांदी खरीद पाते हैं, चलिए झाड़ू तो हर कोई खरीद लेता है, जैसे देखिए कुछ गरीब लोग भी हैं, वो लोग ऐसा क्या खास करें कि उनके जीवन में जो है कि माता लक्ष्मी प्रसन्न हो, पैसे आए और सुख समृद्धि बनी रहे? झाड़ू के साथ में कमल का फूल, कमल का फूल नहीं तो गुलाब, कोई भी फूल, कोई भी फूल खरीद करके पूजन करें। धनिया और हल्दी की गांठ साथ में रखें, इससे ही पूजन करें, धनवंतरी खुश हो जाएंगे। और द्वार खुले रखें, द्वार बंद न रखें। लक्ष्मी जी आएंगी तो द्वार खुले में आएंगी। शुभ मुहूर्त क्या है दीपावली में इस बार पूजा करने का? अच्छा, दीपावली इस बार की क्यों इतनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है? दीपावली का मतलब है काल रात्रि। काल रात्रि में पूजन किया जाता है दीपमालिका का। वैसे हमारे वेदों का नियम है और सांसारिक नियम है और बोलचाल में भी आता है कि जिस दिन की होई उस दिन की दीपावली। इसी महीने में अब दीपावली और छठ महापर्व का जो है बड़ी ही बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लोगों को कंफ्यूजन है कि आखिर दीपावली लोग कब मनाए, क्योंकि कहीं ना कहीं दो तारीख सामने निकल करके आ रही है, 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर, और उसी से पहले लोग मनाते हैं धनतेरस। तो आज इस वीडियो में कुछ खास विषयों पर बात करेंगे, इन्हीं विषयों पर बात करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली एनसीआर के जाने माने पंडित जी महादेव गौड़ सौभरी जी मौजूद हैं। तो सीधा पंडित जी से ही बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर धनतेरस में क्या खास करें और दीपावली आप लोग कब मनाएं। तो सबसे पहले पंडित जी आपको मेरा प्रणाम। आयुष्कान धन काम बुद्धि विद्या दल। पंडित जी, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि दीपावली को लेके बड़ा ही कंफ्यूजन है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते दीपावली से पहले धनतेरस। धनतेरस इस बार लोग कैसे मनाएं, धनतेरस पर लोग क्या क्या खरीदे कि शुभ हो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, कुछ खास क्या ले? धन त्रयोदशी धनवंतरी के नाम से जानी जाती है जी। धन त्रयोदशी वाले दिन सबसे पहले झाड़ू खरीदना चाहिए, उसके उपरांत चांदी का कोई पात्र खरीदे। धनतेरस बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। ये धन आगमन के लिए धन लक्ष्मी मानी जाती है और लक्ष्मी हमेशा झाड़ू को कहते हैं। और चांदी ठंडा पात्र है, चांदी का बर्तन कोई भी खरीदे और झाड़ू खरीदे और धनवंतरी की पूजा करे। ये धन त्रयोदशी का महत्तम है। अच्छा पंडित जी, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ना तो चांदी खरीद पाते हैं, चलिए झाड़ू तो हर कोई खरीद लेता है, जैसे देखिए कुछ गरीब लोग भी हैं, वो लोग ऐसा क्या खास करें कि उनके जीवन में जो है कि माता लक्ष्मी प्रसन्न हो, पैसे आए और सुख समृद्धि बनी रहे? झाड़ू के साथ में कमल का फूल, कमल का फूल नहीं तो गुलाब, कोई भी फूल, कोई भी फूल खरीद करके पूजन करें। धनिया और हल्दी की गांठ साथ में रखें, इससे ही पूजन करें, धनवंतरी खुश हो जाएंगे। और द्वार खुले रखें, द्वार बंद न रखें। लक्ष्मी जी आएंगी तो द्वार खुले में आएंगी, बंद रहोगे तो लक्ष्मी जी नहीं आएंगी। अच्छा, धनतेरस पे शाम में ही खरीदारी करें या दिन में करें? शाम को 5:12 के बाद में खरीदारी करें, 10:30 तक। अच्छा, शाम के टाइम में खरीदारी करने पर लक्ष्मी शांत स्वभाव में रहती है, दिन में चंचल है, दिन में इधर उधर भटकती रहती है, शाम को ग्रह में प्रवेश करती है, इसलिए। अच्छा, इस बार के धनतेरस में क्या खास है, इस बार के दीपावली में क्या खास है? इस बार की धन त्रयोदशी में खासियत ये है कि पूर्ण रूप से धन त्रयोदशी का प्रदोष काल में समय निकल रहा है। 5:12 से 10:30 तक प्रदोष काल है, इसलिए धन त्रयोदशी बड़े ही सौरभ और गौरव से मनाई जानी चाहिए। चलिए देखिए, ये हमने जान लिया पंडित जी से कि धनतेरस पर आप क्या कुछ खरीदें और क्यों मनाएं धनतेरस, क्या खास होगा, कैसे सुख समृद्धि बनी रहेगी। पंडित जी, अब जो मेरा अगला सवाल होगा ये मेरा नहीं है, बहुत लोगों का है। दीपावली को लेकर के लोग कंफ्यूजन में हैं, दो तारीख सामने आ रही है, तो जो हमारे दर्शक और भी जो लोग हैं वो इस बार दीपावली आखिर किस तारीख को मनाएं जो शुभ हो और सच में दीपावली उसी दिन। वेदकालीन निर्णय सागर और सिंधु सागर और चिंतामणि में मुहूर्त दिया है कि जिस समय दीपावली रात्रि में दिन बंद खत्म होने के बाद एक घड़ी कम से कम रहे उसमें दीपावली मनाई जाती है। इसलिए 3:52 पर दीपावली शुरू हो रही है शाम को, और कौन सी 31 अक्टूबर 2024 को 3:52 शाम को दीपावली शुरू हो रही है जी। और 1 तारीख को 6:18 तक रहती है,
और 6:18 पर रहने वाले के लिए एक घटी पूर्ण रूप से दिन छुप जाने के बाद एक घटी होनी चाहिए। 6:04 पर दिन छिपता है। अच्छा पंडित जी, कहा जा रहा है कि 30 अक्टूबर को भी दीपावली आप मना सकते हैं, तो ये सही रहेगा इस बार? ये बिल्कुल गलत है। 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाई जाएगी। काल रात, दीपावली का मतलब है काल रात्रि। काल रात्रि में पूजन किया जाता है दीपमालिका का, तो दीपमालिका का 31 तारीख को ही पड़ता है। वैसे हमारे वेदों का नियम है और सांसारिक नियम है और बोलचाल में भी आता है कि जिस दिन की हुई उस दिन की दीपावली, गुरुवार को हुई और गुरुवार को दीपावली, ये अति शुभ है। अच्छा, दीपावली में लोग कब पूजा पाठ करें? माता लक्ष्मी का भी करते हैं, गणेश जी का करते हैं, तो शुभ मुहूर्त क्या है दीपावली में इस बार पूजा करने का? शुभ मुहूर्त 6:32 से 10:30 तक का है रात्रि। अच्छा, मतलब 31 अक्टूबर से देखिए 6:32 से शुभ मुहूर्त पूजा की शुरुआत है और 1 तारीख तक। अच्छा, दीपावली इस बार की क्यों इतनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है? दीपावली इस बार की महत्वपूर्ण यूं मानी जा रही है कि चंद्र काल से लेकर उदय काल से लेकर अस्त काल तक 2 दिन पड़ रही है, तो 2 दिन कोई भी तिथि पड़े तो द्वगणित हो जाता है, ध्वज हो जाता है। ध्वज माने ब्राह्मण होता है, और 2 दिन पढ़ने का मतलब है सुख शांति धन लक्ष्मी वैभव यश कीर्ति की प्राप्ति करना और देश में मंगल कार्यों की उत्पत्ति होना। देखिए, आप सभी को पंडित जी ने यह भी बता दिया कि भाई आप धनतेरस पे क्या खरीदारी करें, आप दीपावली कब मनाएं, कंफ्यूजन में ना रहें। 30 अक्टूबर नहीं बल्कि 31 अक्टूबर को आप दीपावली मनाएं। और आप सभी जानते हैं कि दीपावली तभी मनाते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, भगवान श्री राम जब वनवास काट कर वापस आए थे 14 साल का, तो उसी खुशी में दिया जलाया गया था, दीपावली मनाई गई थी। मैं सही बोल रही हूँ? बिल्कुल सही बोल रही हो। 14 वर्ष का वनवास काट करके जब राम जी अयोध्या लौटे तो पब्लिक ने हर्षोल्लास के साथ में दीपमालिका जलाकर उनका स्वागत किया और पूरी रात जागरण किया, धन लक्ष्मी का आगमन हुआ, इसीलिए दीपावली मनाई जाती है। क्योंकि रावण ब्राह्मण था लेकिन बलशाली था, ज्ञानी था, संपूर्ण ज्ञानी था लेकिन क्रोधी था, और राक्षस कुल में जन्म हुआ था, माल्यवान के घर में केकसी का पुत्र था, इसलिए उस पर विजय पाना आसान नहीं था। उस पर विजय पाकर राम जी जब अयोध्या लौटे तो इसलिए हर्षोल्लास के साथ दीपमाल का पूजन दीपावली का त्यौहार मनाया गया। अच्छा, दीपावली का त्यौहार देखिए मनाया तो जाता है, माता लक्ष्मी की पूजा होती है, लेकिन भगवान श्री राम के लिए मैं चाहती हूँ कि 1-2 लाइन अगर आप कुछ गुनगुना। भगवान राम वो है कि तरेगा जब वो ही राम की शरण में, राम की शरण में, माँ सीता की शरण में, पड़े हो अकारत जन्म लेके दुनिया में, कैसे भला होगा बिन राम की शरण में। राम की शरण में, तो देखिए अगर अयोध्या की बात करें तो राम मंदिर बनने के बाद ये फिर से जो है दीपावली अयोध्या में छोटी दीपावली मनाई जाएगी बहुत ही धूमधाम से, कई लाखों दीयों से मनाया जाएगा। अयोध्या पर कुछ बोलना चाहेंगे राम मंदिर पर, कोई 1-2 गाना? 5 लाख दीपक मालिका राम मंदिर में जलाए जाएंगे, और छोटी दीपावली को, ये छोटी दीपावली को 30 तारीख को 5 लाख दीप मालिका है जलाए जाएंगे अयोध्या में राम के लिए। तरई न बिन से है मम स्वामी, राम नमाम नमाम नमामी, बिना राम के कोई तरता नहीं है, इसलिए राम को तरने के लिए राम का नाम जपना अति आवश्यक है।